हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करते हैं बहुत ही लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि बहुत दिन से जो पूरी दुनिया है वो एक सदमे में जी रही है। किसी को नहीं पता, कुछ लोग तो यहाँ तक की अफवाहें उड़ाते हैं कि जैसे HIV का कोई इलाज नहीं है, वैसे कोविड का भी कोई इलाज नहीं होगा। तो ये सब उन लोगों के मुँह पर तमाचा है जो ऐसा सोचते हैं। कुछ लोग की हमेशा सोच नेगेटिविटी वाली ही होती है, वो ये नहीं देखते चलो HIV की नहीं बन पाई है लेकिन इतने सारे रोग हुए उनकी तो वैक्सीन है ना। तो आप ये क्यों सोच रहे, 10 वैक्सीन बन चुकी हैं, आप उनके बारे में बात करें, आप ये क्यों कह रहे हैं कि उनकी नहीं बनी तो कोविड की नहीं बनेगी। तो उनके मुंह पे ये तमाचा वीडियो है, आप खुद ही देखिए। रशिया वर्ल्ड का पहला देश होने वाला है जो अपनी वैक्सीन 12 अगस्त तक रजिस्टर्ड कर सकता है। सितंबर में पूरा का पूरा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और अक्टूबर में वैक्सीनेशन वहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। और जो वहाँ की सरकार है रशिया की, व्लादिमीर पुतिन की, उन्होंने अनाउंस कर दिया है, वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, कि अक्टूबर से हम वहाँ पे वैक्सीनेशन बिल्कुल ही शुरू कर दिया जाएगा। तो आप स्वयं देख सकते हैं काफ़ी कंपनियाँ इस रेस में हैं। रशिया बहुत पहले से ही आगे निकल चुका था, इसलिए रशिया की वैक्सीन आने वाली है। देखिए, बातें बनाने वाले वो ज़िंदगी भर बातें बनाते ही रहेंगे, लेकिन आप अपना कर्म करिए, आप अपने काम करिए, लोगों की सोच मत सोचिए। ये जब मीम्स बना सकते हैं, उल्टे सीधे मीम्स बना सकते हैं। मीजल्स का टीका भी बन चुका था, कई सारे रोग हैं जिनके टीके बन चुके हैं, बस इन लोगों का विनोद और मीम्स बनाने तक ही सीमित है। आप उन लोगों के चक्र में बिल्कुल मत पड़ें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। हम इसी तरह की वीडियो पर डे आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स एंड बाय।